अभी शाम की चाय पी जा रही है, यहाँ से हम तोड़ रहे थे नींबू, यहाँ पर एकदम खड़ी हमारे घर के बाहर किचन के यहाँ पर लगी है दोस्तों भयंकर वाली आग। यहाँ पर मैं पीस रही हूँ पहाड़ी मसाला गदरानी। आज हम बना रहे हैं गोतानी भात, यानी कि गहत की दाल और भात। तो पहाड़ी स्टाइल में हम खा रहे हैं अभी गहत, तो आज बन रहा है हमारा गहत की दाल। एक टाइम के बाद हम ऐसे ही चलना शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम बुढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी हमारी। इस प्रकार से तोड़े जाते हैं नींबू, क्योंकि हमें नींबू बेचते हैं। और हमारी बन गई है ये देखो गोतानी भात। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी व्लॉग पर। दोस्तों आज हम बना रहे हैं गोतानी भात, यानी कि गहत की भात दाल और भात। यहाँ पर मैं आज पहाड़ी स्टाइल में गहत की दाल बना रही हूँ। गहत की दाल पहाड़ों में तो बहुत फेमस है, जिसको सर्दियों के टाइम में खाया जाता है। आप लोगों को गहत की दाल की रेसिपी बताऊंगी दोस्तों। मैंने प्याज टमाटर को लेके काट लिया है एंड उसके बाद मैंने उनको भूनने के लिए कढ़ाई में भून ली हूँ, जिसमें मैंने ले लिया है आटा मसाला। और गहत को हमने सबसे पहले 4-5 सीटी में उबाल लिया है, मतलब गहत को पका लिया है। तो वैसे तो गहत के डुबके भी बनते हैं और गहत की चड़कानी भी बनती है, लेकिन मैं आज बना रही हूँ गहत की दाल। सबसे पहले मैंने गहत को पका लिया है, मतलब उबाल लिया है 4-5 सीटी में। उसके बाद प्याज लहसुन टमाटर को काट के उसको भून लिया है। और अब उसके बाद मैंने उसको भूनने के बाद मैंने उसमें थोड़ा आटा भी भून लिया है, जिसे हम बिस्वार बोलते हैं। अब यहाँ पर इस कुकर में मैंने बनाई है गहत के, मतलब गहत को उबाला है। इसका जो रस है और थोड़ा दाने भी मैं डालूंगी, जिसे गूदे बोलते हैं हम, तो इसके रस को भी हम कढ़ाई में भून लेंगे, तल लेंगे। गहत को जब हम पकाते हैं तो इसके दाने दाने हम बचा देते हैं, क्योंकि इनको ना खाने में बहुत ही मजा आता है। तो गहत को इस प्रकार खाया जाता है, इसके रस का बनाया जाता है दाल। जितना रस है मैं इसको सारा निकाल लूंगी। तो ये देख सकते हो मेरी गहत की दाल इस प्रकार से बन रही है, देखो दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो इसके बाद गहत के दाल में थोड़ा मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसमें गदराना, जो पहाड़ी एक मसाला होता है। तो ये है गदरान, तो मैं इसको सिलबट्टे में पहले पीसूंगी। इसको मैंने बारीक पीस लिया है, देख सकते हो गदराना जो पूरा एक टुकड़ा था वो सिलबट्टे में मतलब पूरा मिक्स हो चुका है। दोस्तों वैसे तो ये सिलबट्टा हमारा आधा है, क्योंकि एक दिन मेरे हाथ से गिर गया था ये सिलबट्टा। तो अब मैं इस मसाले को करछी में लूंगी। वैसे मसाला पूरा एक ही उंगली से लेते हैं, क्योंकि हम पहाड़ में ऐसे ही करते हैं। मिर्च पीसने में सबसे ज्यादा आफत आती है, पूरा हाथ खराब नहीं करेंगे। देखो एक उंगली से सारा मसाला ले लूंगी मैं, और हाथ मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, बस एक ही उंगली थोड़ी सी खराब। जो गहत के मैंने दाल बनाई, दाल को तो मैं चूल्हे में रख के आ गई, लेकिन अब मुझे मैं गहत खाती हूँ दोस्तों, बड़े ही चाव से गहत खा रही हूँ, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो गहत खाने में ये तो होता है कि गहत खाते रहो अपने ध्यान में, और कहीं पर पत्थर जब चले गया दांत में, ओह माय गॉड, ऐसा होता है ना एकदम कड़क। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मैं अपने ध्यानों में गहत खाई जा रही थी, गहत खाने के मजे ले रही थी, लेकिन ऐसे ही दांत में जैसे एक पत्थर आया, ऐसी हालत हो गई मेरी। क्या था दोस्तों, आज दिन का खाना तो बन ही रहा था स्पेशल, तो अब मैं खेत में आ गई हूँ, जहाँ पर मुझे सलाद के लिए मूली ले जानी थी। ये पहाड़ी मूली है, जिसे वैसे चोता बोलते हैं हम लोग पहाड़ में। तो मैंने जैसे इसको निकाला तो इसका आकार देख के ना मैं हैरान होगी, ये किस आकार का बना है। एक लंबी पूह जैसी बन गई थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि किस मतलब इसने कौन सी आकृति में हुआ है, या तो टेढ़ा ही होता या सीधा ही होता, और पूछ इसकी इतनी लंबी होगी। चलो सलाद ले लिया है मैंने, और हमारा खाना भी बन गया है। दोपहर का खाना इतना टेस्टी है दोस्तों, देख सकते हो, देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है। तो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा हो रहा है। तो चलो फिर टेस्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट किया ना, वाह मजा आ गया, वो गदरानी डाल के तो और भी ज्यादा मजा आ गया। तो इसके बाद मैंने खाना खाया और अंगड़ाई लेने के लिए पहुंच गई ऊपर खेतों में। थोड़ा गाय को भी प्यार दुलार किया, क्योंकि जानवरों से मेरे को इतना लगाव है, इतना लगाव है। इसको वीडियो में नहीं आना था, और दूसरे वाले को थोड़ी जलन हो रही थी, तो इसको देखो इसने ऐसा मुंह बना रखा है। मैं डेक को लेने के बाद मैं चले गई नीचे, क्योंकि मुझे आज भी गाय के लिए रबड़ी बनानी है, बिच्छू घास की। कल वाले में तो आपने देखा ही होगा रबड़ी। तो अभी मौसम देख सकते हो इस प्रकार से दोपहर का मौसम हो रखा है, धुंध लगी पड़ी है। खाना खाने के बाद मम्मी और मैं लग गए थे बर्तन धोने में, जिसे चूल्हा चौकी कहते हैं, चूल्हा चौकी करने में। तो उसके बाद दोस्तों मैं पानी नहीं आ रहा था, तो मैं टैंकी के पास चलेगी पानी देखने के लिए। आजकल हमने डायरेक्ट पानी लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं पानी लगाने के बाद पहले चेक कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमारा पाइप भी मुड़ा हुआ था। उसके बाद
थोड़ा बहुत पानी चले गया घर की ओर, लेकिन यहाँ पर गुंजन मिली मेरे को। गुंजन की ऐसी हरकतें देख के मैं सोच रही पता नहीं इन जानवरों के मन में क्या चलता होगा, हमारे लिए क्या सोचते होंगे ये। तो इसके साथ खेली कूदी मैं और इसको थोड़ा छेड़ के फिर आ गई थी मैं बिच्छू घास काटने के लिए, वही वाली अटेजी लेके, क्योंकि इसमें मैं बिच्छू घास लेके आऊँगी। तो अब यहाँ पर मेरे प्याले बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, इनको भूख लगी थी तो मैं इनके लिए थोड़ा हरा हरा और तो कुछ नहीं, ये राई के लिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनको राई देके, ये देखो मैं इनको प्रपोज कर रही हूँ दोस्तों। ये हरा घास देखते ही ऐसे हो गए थे, क्या ही बताऊं। उसके बाद मैंने बिच्छू घास को कूटा, क्योंकि इसकी मैंने गाय के लिए दाला बनाना था जो उनकी रबड़ी है। जैसे ही बिच्छू घास कूट रही थी मैंने देखा कि किचन के पीछे आग लगी है, पता नहीं कैसे लगी दोस्तों आग यहाँ पर। मम्मी ने फिर देख बोला कहीं किचन की छत में नहीं चली जाए, क्योंकि इसमें प्लास्टिक भी है, कहीं ये जल जाए तो किचन की, देखो यहीं पर किचन है और ये पूरी सूखी घास है, तो अब आग तो रुकेगी नहीं। लेकिन अब हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर देख रहे हैं, मम्मी ने बोला कहीं आग आएगी तो बुझाना, पानी डालना होगा, बस इतना देखना था किचन में न लगे। पता नहीं कैसे लग गई है यहाँ पर आग, ये देख सकते हो बाल बाल बची है हमारी किचन की छत। कोई नहीं, यहाँ पर साफ सफाई भी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं चलेगी ये डंडा लेके, इसको देख के मुझे लगा कि दोस्तों कि हम ना अभी एक टाइम के बाद ऐसे ही हाल होने वाले हैं हमने। अभी तो हम जवान हैं लेकिन थोड़ी उम्र होने के बाद हमारी कमर झुक जाएगी, एक लाठी के सहारे मुझे हमें जाना होगा। और मैं कट्टे पकड़ के चले गई हूँ नींबू तोड़ने के लिए, क्योंकि अब हमें नींबू बेचने हैं। पहले दिन तो भाई तोड़ के गया था, अब मुझे इस बूबू के लट्ठी के सहारे मुझे नींबू तोड़ने हैं। जैसे ही मैंने नींबू तोड़ा ना, यहाँ पर नींद हो गया क्योंकि ये पूरा एक खाई जैसा है, तो ये नीचे गया, जिससे मुझे निराशा हो गई। मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं लाठी से नहीं गिराती हूँ, खुद ही तोड़ती हूँ, क्योंकि ये नीचे से मैं तोड़ पा रही हूँ जिन जिन को। तो यहाँ पर मैंने कट्टा पकड़ा और मैं नींबू तोड़ने लगी। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ गुंजन और गुची तो आते रहते हैं, तो देख सकते हो इस प्रकार से मैं तोड़ रही हूँ नींबू। अब देखते हैं नींबू कैसे तोड़ पाते हो सारे, क्योंकि नींबू में ना बहुत ज़्यादा कांटे भी हो रहे थे। मम्मी ने बोला कि तू चाय बना के ला, तो हम दोनों माँ बेटी मिलके चाय पीने लगे शाम के मौसम के साथ। यहाँ पर दोनों माँ बेटी बैठे हैं गुड़ की चाय पीने के लिए। अभी शाम की चाय पी जा रही है, यहाँ से हम तोड़ रहे थे नींबू। यहाँ पर एकदम खड़ी पहाड़ी है, तो ये देखो नींबू के दाने गिर रखे, यहाँ से चले जा रहे हैं बड़े नीचे खाई तक, नीचे वहाँ पर कालू दिख रहा होगा जहाँ जहाँ पर हो सक रहा है वो कालू दौड़ लगा रहा है नींबू के दाने के पीछे पीछे, तो वो काट मुँह में पकड़ दे रहा है। अब रुक गया, वहीं पर बैठ गया, नींबू के धारे गिरेंगे तो हुआ। गया 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 कालू गया, पकड़ 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 पकड़, ओए ओए कैच करना सोच रहा, आ गया एक और आया कल्ला, जान तो जानवर भी इतने समझदार होते हैं। तो मैं भी फिर से तोड़ती हूँ माता श्री के साथ। अभी मैंने वॉइस ओवर नहीं की है, रियल वाली बनाई है, क्योंकि मुझे कालू को दिखाना था, इसमें जूम नहीं होता, कालू ऐसे देखा है ना। तो देखो कालू अभी वहाँ पर आ गया है, वहाँ पर भी नींबू के दाने चमके होंगे। टिपा टिपा थोड़ी एक ले कैचना, एक और आ गया, एक और आ गया कल्लू, या या घोड़ के जाजा। दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने इतना बड़ा डंडा पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई इतना बड़ा डंडा, इससे जहाँ ऊपर को नहीं पहुंचा जा रहा था वहां से मम्मी नींबू घिरा रही थी। ये देखो पूरा यहाँ पर पीले पीले चमक रहे हैं, और यहाँ से खाई है तो नीचे भी जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं कांटे वाले नींबू के पेड़ में कांटे खतरनाक होते हैं, तो क्यों ना मैंने एक बार कोशिश करके मैंने सोचा कांटों से बच के मैं चलती हूँ पेड़ में, और जितने भी ऊपर बचे हुए हैं उनको मतलब नीचे घिराती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चले जा रहे हैं। तो अब देखती हूँ होता क्या है। लेकिन मैं वो वाली बूबू वाली डंडा, बूबू वाली लट्ठी जिसे बोलते हैं डंडा, उसको भी लेके गई थी, क्योंकि उससे ही तोड़ूंगी
ऊपर जाके। तो अब देख सकते हो यहाँ पर कट्टों में हमने भर भी दिया है, मम्मी पूरे बटोल रही है और मैं अपने बर्तन वगैरह लेके घर की ओर जा रही हूँ। तो दोस्तों अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति भी मैं यहीं पर करती हूँ। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलूंगी मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ पहाड़ी कल्चर का। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। बाय बाय दोस्तों। ये देखो हाथ खाली भी नहीं है, मैंने चाय के बर्तन और वो लंबा वाला डंडा लेके घर की ओर जा रही हूँ। बाय बाय दोस्तों।